अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पर्सनल डोसीमीटर। हमारे पास चार तरह की टाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल स्टिमुलेट ल्यूमिनेंस मतलब के ओएसएल, थर्मो ल्यूमिनेंस डोसीमीटर टीएलडी, पॉकेट आयनाइजेशन चैम्बर एंड फोर्थ वन हमारे पास पर्सनल डिजिटल डोसीमीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओएसएल की। ओएसएल हमारे पास क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स होती है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऊपर हम एक्सरे फाल करवाते हैं। जब हम एक्सरे फाल करवा दी हैं, अब हम क्या करेंगे कि जितनी डोजेस गई हैं हमने उसको मैयर कर लेना है। अब हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऊपर लेजर लाइट गिरा देंगे तो वो हीटअप हो जाएंगे। एटम जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब वो अपनी असली हालत में वापस आएंगे तो एक लाइट इमिट करेंगे। उसके बाद इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज क्या होते हैं कि लाइट वेट होते हैं, मतलब ये बहुत हल्के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इजी टू कैरियर, हम इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, मतलब कि इतना ये महंगा नहीं होता। उसके बाद कंटेन एंड इंटीग्रेट सेल्फ कंटेनिंग होती हैं, प्री लॉड पॉकेट होते हैं, कलर्स होते हैं, ग्राफिक वगैरह होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि रिकॉर्ड ओनली द बॉडी एरिया, सिर्फ और सिर्फ उसी बॉडी एरिया की रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ये हमारे हाउस फील्ड वगैरह के लिए नहीं होते, मतलब कि उनकी हमें उनकी फैसिलिटी नहीं होती। इट इज़ नॉट एफिशिएंट डिवाइस, इट इज़ नॉट वॉल। उसके बाद हम बात करेंगे टीएलडी के बारे में। टीएलडी हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास फास्फोरस कंपाउंड है। फास्फोरस कंपाउंड जो होते हैं वो लिथियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के बने होते हैं। ये दोनों फॉर्म अपनी सोलिफॉर्म स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। इसके ऊपर हम एक्सरे फाल करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि टीएलडी फास्फोरस को टीएलडी एनालाइजिंग प्लेट में रख देते हैं। अब हमने उसके ऊपर हीट प्रोवाइड करवा देंगे। जब हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो लाइट इमिट करेगा। फिर हम उसको फास्फोरस फोटो मल्टीपल प्लेट जो कि डोसीमीटर के ऊपर ही लगी होती हैं उससे हम इसको मैयर कर लेंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? दे कैन बी रीड ओनली वंस, रीड आउट प्रोसेस डिस्ट्रॉय द स्टोरेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो बाजू का इस तरह भी होता है कि कोई भी उसके अंदर कोई भी हो गया, प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई हैं तो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई होगी उसको भी ये तबाह कर देगा, मतलब कि खत्म कर देगा, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा। पॉकेट आयनाइजेशन चैम्बर क्या होते हैं कि ये मोस्ट सेंसिटिविटी टाइप होती हैं। देयर यूज इज अनकॉमन, इसको हम अनकॉमनली यूज करते हैं। फाउंटेन पिन होती हैं, इसको हम क्लिप्स ऑन द आई पीसीज एंड अलाउ द डोसीमीटर अटैच टू इंडिविजुअल अपेयरेंस वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद दीज वन इज पॉकेट्स डोसीमीटर, ये होते हैं। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास? कंपोनेंट क्या होते हैं कि कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के सेंटर में होता है, नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के आउटर साइड पे होता है, मतलब कि बाहर की तरफ होता है। उसके बाद डिजिटल आयनाइजेशन डोसीमीटर हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास डिजिटल आयनाइजेशन डोसीमीटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये डोज रेट बताते हैं। इसमें हम एक अलार्म लगा होता है, जो डोजेस मतलब कि जिस्म के अंदर जितनी क्वांटिटी होती है कि वो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो हम उसी टाइम वो स्टॉप कर देते हैं। मतलब कि ये भी बताता रहता है कि बॉडी के लिए कितनी डोजेस चाहिए। थैंक यू।